नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। 90 के दशक की बॉलीवुड फिल्मों आशिकी, खिलाड़ी, जो जीता वही सिकंदर, सड़क या कभी हाँ कभी ना जैसी सभी फिल्मों में अपने बॉलीवुड एक्टर दीपक तिजोरी को तो देखा ही है। इन फिल्मों में भले ही वे हीरो के रोल में नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी एक्टिंग से फिल्मों के हीरो को बराबर की टक्कर दी थी। कम ही फैंस ये बात जानते होंगे कि दीपक तिजोरी मूल रूप से गुजराती हैं। दीपक तिजोरी के पिता गुजराती वैष्णव थे, जबकि उनकी माँ पारसी ईरानी थी। परिवार में तीन भाइयों में दीपक तिजोरी सबसे छोटे हैं। दीपक तिजोरी कहते हैं, मेरे परदादा और दादा महसाणा के रहने वाले थे। हमारा मूल सरनेम तिजोरी वाला था, क्योंकि मेरे परदादा का मूल व्यवसाय तिजोरियाँ बनाना था और इसी से हमें ये उपनाम मिला। तिजोरी वाला से तिजोरी कैसे निकला? इस सवाल के जवाब में दीपक मुस्कुराते हुए कहते हैं, मुझे स्कूल और कॉलेज में तिजोरी वाला की जगह तिजोरी उपनाम दिया गया था और तब से ये उपनाम मेरे साथ जुड़ा हुआ है। हालांकि मेरे पिताजी को तिजोरी उपनाम बिल्कुल पसंद नहीं था और वे अक्सर गुस्से में कहते थे कि मैंने अपना उपनाम यानी कि तिजोरी वाला बर्बाद कर दिया, लेकिन मैंने तिजोरी उपनाम ही बरकरार रखा। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।